आप कुछ कहना चाहते हैं सरकार के बारे में? सरकार मीडिया इतनी बड़ी सरकार नहीं आवा जो ये आधी पब्लिक खत्म हो लेती है। अब तो पहले गुंडागर्दी कितना खत्म हुई है यहाँ पे? खत्म हो गया गुंडागर्दी, सब यहाँ का खत्म है। योगी की सरकार आनी चाहिए, अच्छा काम कर रहे हैं। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो लग रहा है की महिला शक्ति उनके साथ। नहीं, कांग्रेस तो नहीं, देखो इस बात कांग्रेस का तो साथ नहीं मिल रहा कुछ। नमस्कार, पब्लिक ओपिनियन में आप हैं गरिमा के साथ और अभी मैं यहाँ पे हूँ अफजलपुर गांव में, गाजियाबाद में। आइए चलते हैं इस आंगनवाड़ी में और जानते हैं यहाँ के लोगों की क्या राय है इलेक्शन के ऊपर। जैसे कि आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से इलेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं और ये 7 चरणों में चुनाव होंगे, 10 फरवरी से 7 मार्च तक। तो आइए जानते हैं यहाँ पे कुछ महिलाएँ दिख रही हैं और महिलाओं की क्या प्रतिक्रिया है इसके ऊपर। तो आइए जानते हैं, आइए पूछते हैं लोगों से कि क्या प्रतिक्रिया है उनकी। यहाँ पे वैक्सीन लग रही है तो जानते हैं। मैडम आप बताइए आपका नाम? आशा रानी। तो ये कितना वैक्सीन जब लग रही है, सबको मुफ्त वैक्सीन लग रही है, कितने लोग आ रहे हैं यहाँ पर? पहले तो बहुत आ रहे थे क्योंकि सबको लग चुकी है, अब तो मिनिमम ही आ रहे हैं। जिनको नहीं लगी है वही लोग आ रहे हैं अब तो। हाँ। पर गांव में ज़्यादातर सभी को लग चुकी है। अब जो बचे हैं सेकेंड डोज के बचे या 2-4 बच्चे बचे 1500। कौन सा डोज लगा है यहाँ पे अभी? अभी तो फर्स्ट भी चल रहा है, सेकंड भी, और बूस्टर डोज भी चल रहा है, सब चल रहा है। तो बूस्टर डोज लगना स्टार्ट हो गया, कितने लोगों को यहाँ पे लगभग बूस्टर डोज को लगा है? बूस्टर डोज। अच्छा, हाँ जी। और इस गांव में मतलब लगभग कितने लोगों को सेकंड डोज लग चुका है और कितनों को फर्स्ट डोज लग चुका होगा? कम से कम 90% सेकंड डोज लग चुका है और 10% रह रहा है, वो चल रहा है। जिसके जैसा टाइम आ रहा है वो ऐसे वैसे लोग आ रहे हैं। तो सभी ने ये फ्री में वैक्सीन लगाई है सरकार के द्वारा या फिर प्राइवेट में भी लगवा रहे हैं? कोई प्राइवेट नहीं लगी है, सभी सरकार के द्वारा लगी है। कोई भी मतलब अभी तक हमारी नॉलेज में कोई पैसे दे के मतलब प्राइवेट नहीं लगवाई है, सब हमें नहीं लगाई है, सारे गवर्नमेंट ने जो फ्री दी है वही लगी है। आइए और लोगों से भी जानते हैं कि उनकी क्या राय है। आपको आप वैक्सीन लगवाने आई हैं अभी? हाँ जी, लग गई। सेकेंड डोज? नहीं, बूस्टर। बूस्टर डोज लगवाया आपने, वेरी गुड। तो क्या कहना चाहेंगी मोदी सरकार के बारे में, आप क्या बोलना चाहेंगे इनको, योगी सरकार को, मोदी सरकार को? मोदी सरकार आनी चाहिए, योगी की सरकार आनी चाहिए, अच्छा काम कर रहे हैं वे। जैसे क्या किया उन्होंने? क्या कर रहा, गरीबों को अनाज दे रहे हैं, मतलब जो गुंडागर्दी मच रही वो भी खत्म है, इतना कुछ सब कुछ अच्छा ही हो रहा, जो भी हो रहा। पहले गुंडागर्दी थी यहाँ पर? पहले थी जी, अब कुछ नहीं है ऐसा। और गरीब लोग भी राशन के लिए भी महीने में 2 बार राशन भी मिल रहा है उन्हें, तो वो भी सोच रहे कि योगी की सरकार ही आए। ठीक है, आप बताइए आपको वैक्सीन का सेकेंड डोज लग गया या फिर बूस्टर डोज? हमारा दोनों डोज लग गया। हाँ, दोनों। तो आपके परिवार में सबको वैक्सीन लग गई? हाँ, पूरा परिवार में लग गया मेरा। तो आप लोगों ने फ्री वैक्सीन लगाई है या फिर प्राइवेट में पैसे दे? नहीं, सरकारी स्कूल पर दोनों लगवाए हैं हम। आराम से नंबर आ गया था पहले? हाँ, मेरा भी आ गया आराम से, दोनों लग गया है मेरा। गुंडागर्दी कितना खत्म हुई है यहाँ पे? खत्म हो गया गुंडागर्दी, सब यहाँ का खत्म है। क्या लगता है आपको, पहले कैसा था माहौल यहाँ पे, महिलाएं, बच्चियाँ, लड़कियाँ कितनी सुरक्षित? सब सही है, हम 6 साल से यहाँ देख रही हूँ, सब माहौल सही है यहाँ। मुझे 6 साल हो गया रहते हुए, मैं सब देख रही हूँ, सब अच्छा है यहाँ के लोगों की व्यवहार, सब अच्छा है। आप कुछ कहना चाहते हैं सरकार के बारे में? सरकार मीडिया इतनी बड़ी सरकार नहीं आवा जो ये आधी पब्लिक खत्म हो लेती है। अब तो पहले तो क्या बढ़िया किया है सरकार ने? बढ़िया सरकार किसान योजना दे रही है, जिसके 2 बीघे जमीन 2-2 हज़ार दे रही है, अब बढ़िया काम कर रही है। किसको मिला है? मिला है किसी को? मिल रहा, हमको मिल रहा, आधे को सारा काम दे रहा, किसी को मिल रहा, बताओ क्या क्या मिला है आपको? अनाज मिल रहा फ्री में 2 बेर, और अनाज मिल रहा, और ये कोरोना टीके लग रहे फ्री में लग रहे हैं सबके, सरकारी योजना ने भर चले। आपको फ्री में लगा? फ्री में लग रहा, अभी कौन पैसे देने पड़ रहे, पहले लगवाया फ्री में लगा हमारे भी, सब बच्चे के लग रहे हैं हमारे, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके हर चीज़ बढ़िया योजना बना रखी है। दो ही बालक है हमारे, एक लड़का एक लड़की, बढ़िया योजना। जिनके फालतू हैं उन्हें ड्यूटी नहीं मिलेगी, सरकारी योजना नहीं मिलेगी, न जिनके फालतू बालक होंगे उन्हें सरकारी योजना नहीं मिलेगी कोई भी। तो महिलाएँ कितनी सुरक्षित हैं आपके हिसाब से, गुंडागर्दी कितना खत्म हुई है? अब तो पहले 8-7 साल पहले तो रोड पर गोली मार देवे चलते उनके उड़न के, महिला भी सुरक्षित नहीं रहे, गाड़ी में बैठा बैठा थ्री में बैठा बैठा ले लूटपाट कर दे भाई,
अब सुरक्षित है, कोई कुछ लूटपाट नहीं कहीं भी। अब कब से मतलब कब से सुरक्षित? हर जगह पुलिस खड़ी रहे या खड़ी पीपल दौड़ रहे वहाँ खड़ी, हर जगह सुरक्षित है हर चीज़। कब से सुरक्षित है? 6-7 साल तो सुरक्षित है, जब तक मोदी चल रहे हैं, मोदी योगी चल रहे हैं, बढ़िया सुरक्षित। डबल इंजन की सरकार से खुश है जी? डबल इंजन की सरकार है जो मोदी योगी सरकार, खुश है? खुश है, इससे भी कोई दिक्कत नहीं, मोदी योगी रहो खुश है सब, बढ़िया। योगी जी को क्या कहना चाहेंगे, क्या लग रहा है अभी 10 फरवरी को वोट पड़ेंगे तो क्या लग रहा है आपको, कैसा माहौल है यहाँ का? मोदी योगी वोट जाएगी, सब जीत जाएगी, नंद किशोर जीतता रहता था सही साहब, कोई दिक्कत नहीं, कोई बढ़िया साहब, पहले भी नंद किशोर रह चुके हैं पिछली योजना में भी, फिर दोबारा टिकट मिला उनको। तो अभी अखिलेश यादव का क्या लग रहा है आपको कि इस बार अखिलेश यादव आ सकते हैं क्या, या फिर ये भी अपनी हमारी जो ये प्रियंका दीदी है ये बोलती है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो लग रहा है कि महिला शक्ति उनके साथ होगी? नहीं, कांग्रेस तो नहीं, देखो इस बात कांग्रेस का तो हिसाब नहीं बन रहा, कुछ नहीं बन रहा कांग्रेस का, हिसाब नहीं बन रहा, वैसे ही बोलने लगे, झूठ बोल रहा आदि, क्या फायदा इनके साथ। ठीक है, धन्यवाद।